कई बार क्या होता है ना, एक एक आपको इस थ्योरी जो पनिशमेंट की डिफरेंट थ्योरीज हैं उनसे रिलेटेड भी कई बार आपको सवाल पूछ लिए जाते हैं बहुत ब्रीफ में। जो पॉपुलर थ्योरीज हैं उनका एक इंट्रोडक्शन आपको दे दूं कि क्या ये थ्योरी है, किस चीज पे। देखिए, थ्योरी से मेरा मतलब कि जो पनिशमेंट्स प्रिस्क्राइब करे गए एंशियंट टाइम से, कई सारे पनिशमेंट्स हैं, ये किन थ्योरीज पे, किन प्रिंसिपल पे बेस्ड है, क्या प्रिंसिपल है जिसके कारण पनिशमेंट दिया जाता है, क्यों पनिशमेंट दिया जाता है, इसका ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है, उसके बारे में एक ब्रीफ इंट्रो बिफोर वी स्टार्ट विद दिस चैप्टर वी शुड हैव, जो इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट में एक इंपॉर्टेंट थ्योरी जो आती है, दैट इज डिटरेंट थ्योरी। पहली जो है इसमें एक इंपॉर्टेंट थ्योरी, दैट इज डिटरेंट थ्योरी। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिटरेंट थ्योरी? डिटरेंट का मतलब होता है, डिटर मतलब डराना। डिटरेंट थ्योरी पे बेस्ड है ये पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट कि आप एक व्यक्ति को किसी एक्ट के लिए सजा दे रहे हैं। सजा का पर्पस क्या है, क्यों ये पनिशमेंट प्रिस्क्राइब किया, तो डिटरेंट थ्योरी के हिसाब से पनिशमेंट देना इसलिए जरूरी है ताकि वो व्यक्ति दोबारा वो काम करने से डरे, एक डर बने उससे, डर का माहौल है, आपने सुना होगा। तो पनिशमेंट इसलिए दिया जा रहा है कि वो व्यक्ति भी दोबारा ना करे, वो भी डरे थोड़ा उससे, और कोई दूसरा व्यक्ति भी ना करे, टू सेट एन एग्जाम्पल अमंग द पीपल ऑफ सोसाइटी कि भैया कोई ऐसा करेगा तो ये पनिशमेंट मिलेगा उसको। इसीलिए ये जो डर है इसको कहते हैं अपन डेटरेंट थ्योरी। मनोज जी, बहुत ज्यादा हिंदी में मैं नहीं जा पाऊंगा बिकॉज वी डील इन इंग्लिश मीडियम, और ऐसा कोई मुझे परेशानी नहीं हिंदी से, बट द प्रॉब्लम इज कि मैंने लॉ अंग्रेजी में ही पढ़ा है, तो आई एम नॉट वेरी गुड विद हिंदी। मैं कोशिश करता हूँ कि मतलब आपको हिंदी में समझा दूं, बट आप अगर मुझसे एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं टेक्निकल टर्म बताऊं तो मैं उसमें असक्षम हूँ, बहुत मेरी क्षमता नहीं है वो करने की, क्योंकि मैंने लॉ इंग्लिश में ही पढ़ा है, इसलिए आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। सो डिटरेंट थ्योरी का मतलब ये होता है कि भाई आपको डराया जाएगा। पनिशमेंट का पर्पस क्या है, ये डर पैदा करना कि अगर कोई ऑफेंस करेगा तो ऐसे हार्श पनिशमेंट मिलेंगे, ये है आपकी डिटरेंट थ्योरी। डिटरेंट थ्योरी की तरह ही एक्चुअली इसी का एक फॉर्म हो सकता, आप उसे कह सकते हैं, या इससे रिलेटेड थ्योरी है प्रिवेंटेड, प्रिवेंटिव थ्योरी। सेकेंड इज प्रिवेंटिव थ्योरी। प्रिवेंटिव थ्योरी क्या होती है, तो प्रिवेंटिव थ्योरी का प्रिंसिपल ये है कि अगर आप किसी व्यक्ति को पनिशमेंट दे रहे हैं तो उसका पर्पस ये कि वो आगे दूसरा कोई ऑफेंस ना कर पाए। एक तो ये कि आप डरा दो उसे, तो वहां भी आप प्रिवेंट कर रहे हो डर के थ्रू, इसलिए मैंने कहा दे आर कोरिलेटेड। बट प्रिवेंटिव थ्योरी में ये है कि जैसे मान लीजिए एक ऑफेंडर है जिसने एक ऑफेंस कमिट किया, अब आप उसको सजा सुना दे रहे हैं इंप्रिजनमेंट की, लाइफ इंप्रिजनमेंट की या 5 साल के इंप्रिजनमेंट, तो आपने उसको अगले 5 साल के लिए प्रिवेंट कर दिया फ्रॉम कमिटिंग अनदर क्राइम। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंटिव थ्योरी, और इस पे बेस्ड भी प्रिंसिपल रखे गए हैं आईपीसी में। सो दैट इज द अनदर थ्योरी, दैट इज प्रिवेंटिव, कि हमें प्रिवेंट करना है व्यक्ति को ऑफेंस कमिट करने से। इसके अलावा तीसरी थ्योरी होती है रेट्रीब्यूटिव थ्योरी। तीसरी जो है रेट्रीब्यूटिव थ्योरी। अब इस रेट्रीब्यूटिव थ्योरी का क्या मतलब है, तो रेट्रीब्यूटिव थ्योरी का मतलब है टिट फॉर टैट। दैट्स करेक्ट, तान्या ने जो लिखा, रेट्रीब्यूटिव थ्योरी का मतलब है भाई साहब टिट फॉर टैट, कि एन आई फॉर एन आई जो प्रिंसिपल है वो। रेट्रीब्यूटिव मतलब बदला, बेसिकली कि विक्टिम को का ये सेटिस्फैक्शन कि क्योंकि उसके साथ किसी ने कुछ किया था तो अब सामने वाले के साथ भी वही कर दिया गया, किसी ने चोरी करी तो उसके हाथ काट दिए आपने। बेसिकली रेट्रीब्यूटिव इज कि विक्टिम के उस सेटिस्फैक्शन के लिए पनिशमेंट दिया जा रहा है कि तुम्हारे साथ किसी ने बुरा किया तो उसके साथ भी हो गया। दैट इज रिट्रीब्यूटिव थ्योरी। अब देखिए, इनका मैं आपको मतलब तो बता रहा हूं, आप समझिएगा इनके प्रोज एंड कॉन, मतलब फेवर और अगेंस्ट दोनों में आर्ग्यूमेंट्स हैं, उसमें अपन नहीं जाएंगे उस डिटेलिंग में, बट इज रिट्रीब्यूटिव थ्योरी के अगेंस्ट ज्यादा है। और ये माना जाता है कि डेमोक्रेटिक सेटअप में जब हम लोग एंशियंट टाइम में थे तो ठीक है, दैट वॉज फाइन, लेकिन अब एक डेमोक्रेटिक सेटअप में रेट्रीब्यूटिव थ्योरी बहुत वाजिब नहीं है, एन आई फॉर एन आई इज नॉट वेरी गुड इन दैट कंटेक्स्ट। तो ये जो रेट्रीब्यूटिव थ्योरी, इसका इंपॉर्टेंस बिल्कुल खत्म हो चुका है इन प्रेजेंट एंड मॉडर्न टाइम्स, क्योंकि ये चीज सही नहीं है कि आप उससे कुछ होता नहीं है। जैसे मान लीजिए आपको किसी ने एक लफड़ा मार दिया है, अब आपको अपॉर्चुनिटी दे दी जाए कि भैया तू भी एक चिपका दे इसको, उससे सिर्फ आपका एक सेटिस्फैक्शन होगा,
कि हाँ मैंने अभी मार दिया, बट उससे ना तो आपकी इंजरी में कोई हीलिंग हुई, जो आपको उसने एक जो थप्पड़ मारा है, ना तो उसमें कुछ हीलिंग हुई, ना कोई उसका कोई बहुत बेसिक पर्पज नहीं है। बस वो एक ह्यूमन टेंडेंसी, एक वो सेटिस्फैक्शन है कि मेरे साथ किसी ने कुछ किया था तो मैंने भी वो कर दिया, ये बदले की भावना। समस्या ये है कि आप देखेंगे हमारे यहाँ बचपन से हमें ये चीजें सिखाई जाती हैं, या कहीं ना कहीं अनइंटेंशनली ये बातें कन्वे कर दी जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा घर में कोई बच्चा अगर गिर जाता है किसी चीज से टकरा के, तो मम्मी पापा बोलते हैं अरे देखो चेयर से लग गया, चलो चेयर को मार देते हैं, बच्चे वो रोना बंद कर देगा, है ना। आपने देखा होगा पेरेंट्स ऐसा करते हैं ना कि वो किसी टेबल से टकरा के एक बच्चा गिर गया तो चलो टेबल की पिटाई करते हैं, बेटा चुप हो जा, क्योंकि उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगा ये देख के कि मैं इस टेबल के कारण गिरा था, इसकी भी पिटाई हुई है। तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि आपको दूसरे का, क्योंकि आपके साथ कुछ हुआ है तो सामने वाले के साथ भी वो होगा, तो इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन, बट ये बहुत सही नहीं है। इसीलिए इस रेट्रीब्यूटिव थ्योरी का इंपॉर्टेंस अब काफी काफी कम हो गया है। और इसके बाद एक बहुत पॉपुलर थ्योरी है, दैट इज रिफॉर्मेटिव थ्योरी। रिफॉर्मेटिव थ्योरी, नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिफॉर्मेटिव थ्योरी, तो इस बात को समझिएगा जरा। रिफॉर्मेटिव थ्योरी का मतलब है कोई व्यक्ति जिसने एक जुर्म कर दिया, एक ऑफेंस कमिट कर दिया, अब हम उसको पनिशमेंट ऐसा दें कि हम उसका रिफॉर्मेशन करें, रीइंटीग्रेशन करें सोसाइटी में, उसे एक अच्छा इंसान बनने का मौका दें। क्योंकि हो सकता है उसकी सोशल कंडीशंस ऐसी रही हो, उसकी इकोनॉमिकल कंडीशंस ऐसी रही हो, जिसकी वजह से वो ऑफेंडर बन गया है या उसने एक ऑफेंस कमिट किया है। तो अब रिफॉर्मेटिव थ्योरी का प्रिंसिपल ये कहता है कि साहब पनिशमेंट आप इस तरीके से बनाइए कि उसके पास एक अपॉर्चुनिटी हो अपने आप को एक अच्छे इंसान में कन्वर्ट करने की। ये पर्पस होना चाहिए पनिशमेंट का। पनिशमेंट का पर्पस ये नहीं होना चाहिए, डेटरेंट या प्रिवेंटिव तो चलो ठीक है, लेकिन रिट्रीब्यूटिव तो कतई नहीं होना चाहिए। वो बदले की भावना सेटिस्फाई करना पर्पस नहीं है पनिशमेंट का। पनिशमेंट का असली पर्पस रिफॉर्मेटिव होना चाहिए कि आप उस ऑफेंड, वो कहते हैं ना कि जुर्म से नफरत करिए, जुर्म करने वाले से नहीं, है ना। तो भाई उसने, हो सकता है कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस के कारण उसने ये किया है, लेकिन इसके भी क्रिटिक्स हैं। वो कहते हैं भैया हार्डकोर क्रिमिनल को कोई फर्क नहीं पड़ता रिफॉर्मेशन रिफॉर्मेशन से, उनको तो डंडा मारो वही ठीक है। तो फेवर में और अगेंस्ट दोनों के आर्गुमेंट है, अपने को उसमें नहीं जाना है, बस मतलब मैं आपको जानने के लिए इसीलिए ये समझा रहा हूं कि आपको मतलब पता होना चाहिए कि कौन सी थ्योरी का मतलब क्या है, वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ताकि फ्री में अगर आपसे बाई चांस ये सवाल पूछा जाए तो ऐसा ना हो। हाँ करेक्ट, यश आपने करेक्ट कर दिया, मुझे गुनाह खत्म करना है, गुनहगार को नहीं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है ये आपका रिफॉर्मेटिव थ्योरी कि उस बंदे को हमें अपॉर्चुनिटी देनी है। इसीलिए आप देखते हैं जेल में, आप देखेंगे कोई आर्ट एंड क्राफ्ट में अच्छा है तो उनको वो मौका दिया जाता है कि उस तरीके का काम करें। पढ़ने के लिए चीजें दी जाती हैं कि आप पढ़ाई करो, आपको प्रॉपर एजुकेशन करनी है, उसके भी मौके दिए जाते हैं कि चलो आप कॉलेज में एडमिशन लेके एग्जाम दो। आपने देखा होगा जो जो कैदी है उनकी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज की, आर्ट एंड क्राफ्ट, क्राफ्ट का काम वो कर रहे हैं, फर्नीचर बना रहे हैं, वो बिक रहा है उसके म्यूजियम से जहां कैदियों द्वारा बनाई हुई चीजें बिकती हैं, तो उन्हें एक चांस दिया जा रहा है अच्छा इंसान बनने का। दैट इज वॉट रिफॉर्मेटिव थ्योरी इज ऑल अबाउट। देन कम टू एक्सपिएट्री थ्योरी, दिस इज इंपॉर्टेंट, जो कई बार पहले एग्जाम में बड़े ही प्रोमिनेंटली पूछा गया है कि आपने शायद एमसीक्यू तो आप याद कर लेंगे कि एक्सपिएट्री थ्योरी आईपीसी के किस प्रोविजन से रिलेटेड है, तो 73-74, बट इसका मतलब समझिए एक्सपिएट्री थ्योरी है क्या और किस पे बेस्ड है। तो बेसिकली एक्सपिएट्री थ्योरी थोड़ा सा जो हिंदू लॉ से भी या हिंदू कस्टम है उससे भी थोड़ा सा इसका सिग्निफिकेंस है, या एंशियंट टाइम में जो प्राश्चित का कॉन्सेप्ट है ना, बेसिकली कि आपने पाप किया है, अब आप उसका प्राश्चित कर लीजिए तो आपका वो जो पाप है, वो जो सिन है, वो जो गुनाह है, वो खत्म हो जाएगा, वो धुल जाएगा, वो फेड अवे हो जाएगा। इस पर्पस के लिए पनिशमेंट दिया जाता है, क्योंकि जो गुनहगार है उसने पाप किया है, अब अगर वो उसका प्राश्चित, और प्राश्चित पेनफुल होना चाहिए, मतलब एक तो वो गिल्ट को रियलाइज करे कि हाँ मैंने गलती करी है, और फिर उसका प्राश्चित करे, इसलिए पनिशमेंट दिया जाता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपिएटरी थ्योरी। और इसका जो रिफ्लेक्शन आपको इधर मिलेगा वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है, क्या होता है मैं बताऊंगा, तो वहां पे एक बार दोबारा अपन इसको डिस्कस करेंगे। बट एक्सपिएटरी थ्योरी बेसिकली रिलेटेड टू प्राश्चित, कि भाई मैंने एक पाप किया है, अब मुझे उसे सही करना है। जैसे आप लोगों ने अगर गैंग्स ऑफ वसेपुर देखी हो, तो उसमें जो पीयूष मिश्रा जी का रोल है, जो वो उसके
सरदार खान के जो वो बने होते हैं, सॉरी फैजल के जो चाचा होते हैं, जो मेन कैरेक्टर हैं उसमें, उनका आप देखेंगे तो वो कुछ गलती करते हैं तो फिर पिक्चर में दिखाया जाता है कि वो बैठ के अपने आप को चाबुक मार रहे हैं, मुंह में कपड़ा फंसा लिया है और खुद को पेन दे रहा है वो आदमी, बिकॉज ही रियलाइज हिज गिल्ट, और अब वो उस चीज को इस फॉर्म में उसका प्रायश्चित करना चाहता। तो ये कॉन्सेप्ट रिलीजियस उसमें हमेशा से था कि इस तरीके का आप कर लीजिए तो आपका वो पाप धुल जाएगा। इस पे बेस्ड ये कॉन्सेप्ट है कि भाई अगर ऑफेंडर को पनिश कर दिया जाएगा तो उसका वो जो सिन है वो खत्म हो जाएगा। ठीक, सो दैट वॉज वन ऑफ द थिंग, सो दैट इज एक्सपिएटरी थ्योरी। इस पे बेस्ड कॉन्सेप्ट है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, जिसमें आइसोलेशन में एक व्यक्ति को रख दिया जाता था ताकि वो रियलाइज करे अपने गिल्ट को। इसमें दोनों चीजें हैं, आप उसका एहसास करें और फिर आप वो पीड़ा भोगें तो आपका वो पाप खत्म होगा। दैट वॉज द कॉन्सेप्ट। तो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट इज समवॉट दैट, इट इज रिलेटेड टू दैट। आई होप यू गॉट द आइडिया। सो दिस इज अबाउट द थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट। नाउ लेट्स